सलमान खान दोषी ठरलेला. आणि आपण झी मीडियाचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांच्याकडे जाऊया. अंकुर मुंबईत आहे. अंकुर, सैफ अली खानच्या घराच्या जवळच आहे तिथं. अंकुरला आपण विचारू. अंकुर, सैफ अली खान सुद्धा या खटल्यामध्ये आरोपी होता, मात्र सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे आणि नीलम यांना दिलासा मिळालेला आहे. सलमान खान दोषी ठरला आहे, मात्र हे सर्वांना निर्दोष ठरवण्यात आलेलं आहे. कोर्टाने निर्दोष ठरवलं आहे, त्यांना संशयाचा फायदा मिळाला आहे. सैफ अली खानच्या घराबाहेर काय वातावरण आहे, कारण सैफ अली खान पण टेन्शनमध्ये होता. आता काय तिथं लोकांच्या काही रिॲक्शन मिळत आहेत का, त्याच्या घराच्या बाहेर कसं वातावरण आहे? देखिए, जो माहौल में जो टेंस होता है वो अलग ही सुबह से देखने के लिए मिल रहा था. जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है नॉर्मली, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिली है. यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जहाँ पे सलमान खान रहते हैं. उनके पिता ज़रूर सुबह निकले थे सलीम खान वॉक के लिए, लेकिन मीडिया ने जब उनसे सवाल किए आज के जो वर्डिक्ट के बाबत, तब भी उन्होंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया. जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा टेंस था सुबह से. हालांकि अभी जब फैसला आ चुका है, बावजूद इसके अभी तक भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है. ख़ास तौर पे जो सलमान खान का घर है वहाँ पर कुछ इक्का दुक्का फैन ज़रूर इकट्ठा हो रहे हैं, चूँकि मीडिया का जमावड़ा भी वहीं पर है तो उसको देखते हुए. लेकिन सैफ अली खान के घर पर वो भी नहीं है. पूरी तरह शांति छाई हुई है, आप कह सकते हैं तनाव ज़रूर यहाँ पर देखा जा सकता है. अंकुर, बहुत बड़ा अंकुर, या खटल्याकडे सर्वांचं लक्ष होतं की काय शिक्षा होणार, कारण इतर सुद्धा सगळे कलाकार होते आणि सगळे स्टार्स, मोठे स्टार्स होते असं पण असं म्हणू शकत नाही. सलमान आहे, सैफ अली खान आहे, सोनाली बेंद्रे, नीलम, मात्र सलमान वगळता इतर जे कलाकार आहेत, जे इतर आरोपी होते, त्यांना मात्र आता दिलासा मिळालेला आहे. निर्दोष ठरवलेल्या कोर्टानं त्याला थोडासा संशयाचा फायदा मिळालेला आहे. बॉलिवूडमध्ये काय रिॲक्शन उमटत आहेत, काय कुठले कलाकार सैफच्या घरी आलेत का, किंवा सलमानच्या घरी कलाकार कोण भेट देत आहेत का, काय दिसतंय वातावरण सकाळपासून, काय वातावरण आहे? देखिए, बॉलीवुड के लिए बहुत ही अजीब सी पशुपीश वाली स्थिति है, क्योंकि अधिकतर जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जब हमने उनसे कांटेक्ट किया या हमारी जो एंटरटेनमेंट टीम है उन्होंने जब उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने सबने कहा कि अगर सलमान खान रिहा हो जाते हैं तब हम इस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे, तब हम आपके साथ लाइव शोज़ पर भी आएंगे, लेकिन अगर सलमान खान नहीं आते हैं तो हमारे लिए भी स्थिति इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी. ज़ाहिर तौर पर ये पूरा जो केस है इसमें आरोपी बहुत लोग हैं, सिर्फ सलमान खान नहीं है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को सलमान सेंट्रिक होकर ही देखा जा रहा था. और यही वजह है जो बॉलीवुड है उसके लिए पशुपेश वाली जो स्थिति है और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है और वो बिना पे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा करेक्टर था जो भी सलमान खान, वो ही इस पूरे मामले में एक्विट नहीं हो पाया. कारण एकूण आगामी जवळपास सुमारे 500 कोटींचे प्रोजेक्ट सलमानच्या हातात आहेत, अनेक बिग बजेट सिनेमे आहेत, जवळजवळ त्याचं एकेका सिनेमाचं बजेट 100-100 कोटीच्या घरात आहे, त्यामुळे बॉलिवूडच्या निर्मात्यांना टेन्शन आलेलं आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.